इन तस्वीरों को देखकर शायद आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन जब इन तस्वीरों की हकीकत आपके सामने आएगी तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं संत के चोले में धर्म का धंधा करने वाले आसाराम, उनके साथ दिख रही है एक लड़की और आसाराम के काले सच से पर्दा उठाता आज तक का खुफिया कैमरा। तब हमें पता चला था कि आसाराम के आश्रम में धर्म नहीं बल्कि धर्म का गोरख धंधा होता है। पुख्ता जानकारी मिली थी जिनमें सवाल सीधे सीधे आसाराम के चरित्र पर उठे थे। तब आज तक ने आसाराम की इस हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया था। जब आज तक की टीम एक महिला रिपोर्टर को लेकर आश्रम पहुंची, उस वक्त बापू प्रवचन दे रहे थे। आसाराम बापू को महिला रिपोर्टर का नाम पूनम बताया गया था और ये कहा गया था कि पूनम अपराधी है और अमेरिका से फ्रॉड करके भागी है। पूनम को देखते ही बापू ने प्रवचन बंद कर दिया और अकेले ही अपने पास बुला लिया। भविष्य देखने के बहाने वो बार बार पूनम का हाथ पकड़ने लगे। क्या नाम है? पूनम का। पूनम, बहुत परेशान हूँ, आपसे बात कर रही थी। अब यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। नहीं, वही पुलिस पुलिस वाला पंगा लिया है, जो पुलिस ऑस्टिन पुलिस वाला नहीं बताया था बापू ने सुबह की इस पहली मुलाकात में तकरीबन 20 से 25 मिनट पूनम से अकेले में बात की और ये जानते हुए कि वो एक अपराधी है उसे आश्रम में पनाह देने के लिए तैयार हो गए। अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस। बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, मेरी देवभूमि हरिद्वार में आसाराम बापू के आश्रम में पूनम को तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे। आसाराम शाम को पूनम को जंगल की अकेले सैर कराना चाहते थे, लेकिन पूनम ने नदी पार के उस जंगल में जाने से मना कर दिया था। पूनम के मना करते ही आसाराम अपना आपा खो बैठे और अपनी खिसियाहट वहां मौजूद गनर्स पर जाहिर कर दी। जंगल से लौटकर तकरीबन 7-8 बजे आसाराम ने एक बार फिर पूनम को अपने कमरे से बुलवाया और आश्रम के छत पर ले गए। दर्शकों को यहां बता दें कि छत पर अंधेरा होने की वजह से आगे की तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आसाराम का वो संवाद आप साफ साफ सुन सकते हैं जो संत की वाणी से शायद ही कभी निकले। अच्छी नींद ना, बढ़िया नींद आना, मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना। आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था, लेकिन तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे।